नमस्कार दोस्तों, सो सैगी सिविल हमारे चैनल पे आप सभी सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन ब्रिक के बारे में, मतलब ईंट जो होती है उसके बारे में, जो वन लाइनर क्वेश्चन है कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और कौन कौन से क्या होते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। उसमें पहला आता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश का बॉन्ड किसे कहते हैं, उसके डिफरेंसेस क्या है, ये हम आज देखने वाले हैं। तो इंग्लिश बॉन्ड क्या है? इंग्लिश बॉन्ड अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स विच इज़ कॉल्ड एज एन इंग्लिश बॉन्ड। मतलब उसमें क्या होता है, अल्टरनेट हेडर्स एंड स्ट्रेचर, अल्टरनेट कोर्स होता है हेडर्स एंड स्ट्रेचर का, उसे इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। दिस इज अबाउट इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड का मतलब क्या है? ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। ठीक है, मतलब क्या होता है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब एक हेडर का हो गया, कोर्स, उसके बाद एक होता है स्ट्रेचर का, पूरा स्ट्रेचर का होता है, तो उसे कहते हैं इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद आता है फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, मतलब क्या होता है, ऐसा होता है एक हो गया हेडर और दूसरा हो गया ए स्ट्रेचर, तो ए हो गया फ्लेमिश बॉन्ड। उसके बाद आता है हेरिंग बोन बॉन्ड। हेरिंग बोन बॉन्ड किसे कहते हैं, कॉमनली यूज फॉर ब्रिक पेविंग। हेरिंग बोन बॉन्ड जो होता है वो कॉमनली यूज फॉर ब्रिक पेविंग के लिए हम उसे यूज करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड आपको मालूम है, इट इज अ प्रिपेयर्ड व्हेन वॉल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड। उसे हम 9 इंच होती है तो वो पूरी वॉल की साइज होती है स्ट्रेचर की साइज में। जब हम हाफ हाफ ब्रिक थिक वॉल कहते हैं तो उसे कहते हैं हम इन जनरल में 4 इंच कहते हैं, क्योंकि या 5 इंच कहते हैं, क्योंकि ब्रिक की जो साइज होती है वो 10 इंच की होती है। ब्रिक की साइज होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, तो हाफ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया इन जनरल। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 2 इंच होता है लगभग। चाहे मतलब हम उसे 4 इंच वॉल कहते हैं या 9 इंच वॉल कहते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो स्ट्रेचर कितना होता है, स्ट्रेचर होता है 20 सेंटीमीटर, स्ट्रेचर होता है 200 सेंटीमीटर हो गई इन नॉर्मल साइज ऑफ ब्रिक की हो गई। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन वॉल्स ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस नीड टू बी कंस्ट्रक्टेड। वो कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, तो ऐसे आगे से देखूंगा तो ऐसे स्ट्रेचर से दिखती है सब, और ऊपर से देखूंगा तो मैं 3D में उसकी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो 3D में कैसे आती है डायग्राम, ए ऐसा हो गया और ए एक ऐसा हो गया, तो 3D में ऐसा आता है, ऐसा ऐसा हम पुट कर देंगे ऐसी, और ये हो गया, क्या हो गया, ये जो हमने डार्क कर दिया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, हम इधर से देखेंगे तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो इतनी हो गई उसकी जो हो गई, तो इतनी हो गई थिकनेस, तो ये हो गया सिर्फ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से है। अगला रैट ट्रैप बॉन्ड, बॉन्ड इन विच कैविटी इज एग्जिस्टिंग, मतलब उस बैंड में कैविटी एग्जिस्ट होती है, रैट ट्रैप बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजिशन इंस्टेड ऑफ कॉन्वेंशनल हॉरिजॉन्टल पोजिशन, दस क्रिएटिंग ए वॉल हॉलो स्पेस विद इन द वॉल। ठीक है, उसके बाद आता है किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर हम किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रिक हुज वन एंड हैज़ बीन कट ऑफ डायगोनली सो टू हाफ द विड्थ ऑफ ब्रिक, टू हाफ द विड्थ ऑफ ब्रिक, किंग क्लोजर रेक्टेंगुलर ब्रिक हुज वन एंड हैज़ बीन कट ऑफ डायगोनली टू हाफ द विड्थ ऑफ ब्रिक, मतलब जो लेंथ हो गई, हाइट हो गई, विड्थ हो गई, तो विड्थ हो गई डायगोनली कट करने के बाद, उसे किंग क्लोजर कहते हैं। इसलिए व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ मेकिंग इट टू हॉलोज देन इट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर, मेकिंग इट टू हॉलोज। ठीक है, तो क्वीन क्लोजर क्या हो गया, ऐसी ब्रिक हो गई, ठीक है, ऐसी ब्रिक हो गई, ठीक है, या ऐसी हो गई ब्रिक, तो इधर से हम कट कर देंगे क्या, रेक्टेंगुलर ब्रिक हुज वन एंड हैज बीन कट ऑफ डायगोनल टू हाफ द विड्थ ऑफ ब्रिक, टू हाफ द विड्थ ऑफ ब्रिक, ये विड्थ होगी टू हाफ द, मतलब इधर से हम कट कर देंगे, ऐसा कट होगा, ऐसा 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 इधर से जाएगा, ठीक है, तो ऐसी ब्रिक हो जाएगी, इधर की जो ब्रिक होती है, ठीक है, पीछे साइड की, तो ये होती है, मिडल में कट कर देंगे तो ऐसा कट हो जाएगा, ये इधर का कट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया किंग क्लोजर हो गया। उसके बाद आता है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग द इट्स विड्थ, व्हेन ब्रिक इज कट अलोंग इट्स लेंथ मेकिंग इट हाउस टू हाउस देन इट इज कॉल्ड क्वीन क्लोजर। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रिक बैट, कट पोर्शन ऑफ ब्रिक, कट पोर्शन ऑफ ब्रिक उसे कहते हैं ब्रिक बैट, कट पोर्शन ऑफ ब्रिक उसे कहते हैं ब्रिक बैट। उसके बाद आता है प्री पेंट, वर्टिकल ज्वाइंट इन ब्रिक, मतलब हम जब ऐसे पुट करते हैं आगे से देखते हैं, उसके बाद ऐसी एक ब्रिक होती है, उसके बाद ऐसी ब्रिक होती है, तो इधर का जो ज्वाइंट होता है, ये जो वर्टिकल ज्वाइंट होता है मॉर्टर से फिल करते हैं हम उसे, तो ये क्या हो गया, प्री पेंट वर्टिकल ज्वाइंट इन ब्रिक हो गया। ठीक है, ये ज्वाइंट होता है ना, इधर हम मॉर्टर पुट करते हैं।
सिलिका इन ब्रिक इनेबल ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, तो सिलिका किस लिए होता है, सिलिका इन ब्रिक इनेबल ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। एल्यूमिना इन ब्रिक किस किसके लिए होता है, एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रिक अर्थ, सो प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए ब्रिक में एल्यूमिना होता है। उसके बाद आता है एक्सेस सिलिका इन ब्रिक, तो एक्सेस सिलिका इन ब्रिक मेक्स ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, तो एक्सेस सिलिका ब्रिटल एंड वीक करता है। उसके बाद आता है एक्सेस एल्यूमिना इन ब्रिक, तो एक्सेस एल्यूमिना इन ब्रिक क्या करता है, प्रोड्यूस क्रैक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, तो एक्सेस एल्यूमिना इन ब्रिक प्रोड्यूस क्रैक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग होता है। एक्सेस मैग्नीशिया इन ब्रिक, एक्सेस मैग्नीशिया होने के बाद क्या होता है, अपेक्स कलर एंड मेक्स ब्रिक येलो, तो मैग्नीशिया से ब्रिक येलो ही होती है और आयरन से ब्रिक जो होती है वो रेडिश भी दिखती है। तो एक्सेस लाइम इन ब्रिक, तो एक्सेस लाइम इन ब्रिक क्या होता है, एक्सेस लाइम इन ब्रिक कॉजेस ब्रिक टू मेल्ट एंड लॉस इट्स शेप, कॉजेस ब्रिक टू मेल्ट एंड लॉस इट्स शेप, तो मेल्ट के लिए और इस शेप लॉस करने के लिए ब्रिक उसमें लाइम भी होता है, एक्सेस लाइम से ये हो सकता है। उसके बाद आता है, ठीक है, एक्सेस आयरन आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक, ब्रिक्स टू डार्क ब्लू, सो एक्सेस आयरन हो गया, जो आयरन हो गया रेडिश कलर में दिखती है, अच्छी दिखती है, और एक्सेस आयरन हो गया तो डार्क ब्लू भी दिखती है। तो ये हो गया वन लाइन और क्वेश्चन रिगार्डिंग टू ब्रिक, तो ब्रिक में क्या क्या होता है, किंग क्लोजर क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं, इसके बारे में है। तो हमारे वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।